अलकुम नाजरन ए आई मैगज़ीन के साथ आपकी मेज़बान मेज़बानफत जहाँ हाजिर हाँ है नाजरीन जैसा कि आप जानते हैं अगस्त के महीने में हमारे ख़ज़ा सेमेस्टर के दाखिलों का आगाज़ हो जाता है और इस मरतबा भी हमारे दाखिलों का आगाज़ हो चुका है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने लाखों तलबा तलबात को उनके रोज़गार के साथ साथ तालीम भी दी है ये यूनीवर्सिटी बुनियादी तलीम के साथ साथ पी एच डी और एम फिल की सतह पर तालीम के फरोग में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है नाजरीन अब्लाग्यामा के अलावा यूनिवर्सिटी उर्दू इस्लामिक स्टडीज़ इकबाल स्टडीज और केमिस्ट्री में भी एम फिल की बुनियाद पर पी एच डी करवा रही है एम एस एम फिल प्रोग्राम्स में यूनिवर्सिटी इब्लागियामा, केमिस्ट्री इकबाल स्टडीज फूड एंड न्यूट्रिशन और इस्लामिक स्टडीज में दाखिला पेश कर रही है इन सब प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए एन टी एस का जी आर ई और गेट कम से कम 50 फीसद नंबर्स के साथ पास करना जरूरी है इस मरतबा यूनिवर्सिटी एम एस सी में माशियात मुताल पाकिस्तान जेंडर एंड वीमे स्टडीज और, और कम्यूनिटी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स में दाखिला दे रही है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग कनाडा के इश्तराक से एम बी एम पी ए के कोर्सेज भी पेश कर रही है तो आइए इसकी अहमियत के बारे में कोर्स कोऑर्डिनेटर से पूछते हैं आ, ये कॉमनवेल्थ ऑफ़ लर्निंग जो कि एक इंटरनेशनल एजेंसी है कॉमनवेल्थ सेकटेरियट का एक हिस्सा है उनके तान से हम ये इंतहाई अहम प्रोग्राम और इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पर एग्ज़ेटिवस के लिए है और इसमें जितने भी कोर्सेज़ हैं वो सब एग्जेक्टिवस की ट्रेनिंग नीड के मुताबिक बनाए गए हैं और ये प्रोग्राम इस वक्त दुनिया के आठ मुल्कों में ऑफ़र हो रहा है और पॉसिबिलिटी है कि अगले एक दो सालों में मजीद आठ दस कंट्रीज इसमें शामिल हो जाएंगे ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है और इसको हम दो तरह के मोड्स में ऑफ़र कर रहे हैं पहला मोड है फेस टू फेस विद डिस्टेंस लर्निंग कि इसमें कुछ क्लासेस भी होती हैं जो कि वीकेंड्स भी होती हैं और बाकी डिस्टेंस लर्निंग के तहत बाकी जो है सिस्टम उसी के मुताबिक चलता है दूसरा है ऑनलाइन ऑनलाइन में जितनी भी ट्यूटोरियल सपोर्ट है और उसके साथ साथ जो कंटिन्यूस असेसमेंट है असाइनमेंट्स वग़ैरह वो सब ऑनलाइन पेश होती हैं और स्टूडेंट्स के लिए हम चैट सेशन अरेंज करते हैं और हमारी अपनी वेबसाइट है जहाँ से ये तमाम अरेंजमेंट्स मैनेज होती हैं तो स्पेशली ऑनलाइन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद है कि जो अपनी किसी वजह से किसी मजबूरी की वजह से क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते और या वो वे कोई यूनिवर्सिटी के अपने ऑफिस के कोई बिज़ी स्जुल हैं या उन वो ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहाँ पे क्लासेस अरेंज करना मुश्किल होता है तो ऑनलाइन और ओ मोड में विद फेस टू फेस क्लासेस हम इसको ऑफ़र कर रही हैं और ये एग्जेक्टिव के लिए है इसके लिए जो हमारा एडमिशन क्राइटेरिया है उसके लिए कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए सेकंड क्लास में और उसके साथ उसको दो साल का तजुर्बा होना चाहिए एग्जेक्टिव का और इसके साथ तीसरा जो मेन आइटम है वो है टेस्ट हम एक कोल एम बी एम का टेस्ट अरेंज करते हैं और वो टेस्ट में पास करना ज़रूरी है या दूसरी सूरत में उसको जी पास करना ज़रूरी है तो इन तीन बुनियादी क्राइटेरिया के तहत हम इसमें दाखिला देते हैं और एक और सबसे अहम बात जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी है इस प्रोग्राम की और ना सिर्फ एक्सेप्टेबिलिटी है बल्कि इसकी ग्लोबल एक्रेडिटेशन है और एडेक्सल जो इंटरनेशनल क्रेडिटेशन एजेंसी है उसने भी इस प्रोग्राम को एक इंटरनेशनल प्रोग्राम तस्लीम किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में यूनिवर्सिटी अरबी इस्लामिक स्टडीज़ और उर्दू में दाखला दे रही है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में इन प्रोग्राम्स में दाखले ऑफर किए जा रहे हैं डाइटेटिक्स ब्राई डाइट न्यूट्रिशन ब्राई फिजिशंस और जेंडर एंड वीमन स्टडीज़ बैचलर्स प्रोग्राम्स में बीएससी कंप्यूटर साइंस दौरानिया चार साल बैचलर ऑफ़ कॉमर्स बी काम बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल साइंस और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में दाखिले जारी हैं पीटीसी में भी दाखला जारी है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में एफ ए आई काम ए प्री इंजीनियरिंग और एफ प्री मेडिकल में दाखले हो रहे हैं नाहम क्लास में पढ़ने का सर्टिफिकेट लेने वाले कम से कम तेरह साल उम्र के बच्चे भी मैट्रिक में दाखिला हासिल कर सकते हैं दीन मदारस में जेर तलीम तलबा वालबात इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के दरस नज़ामी के इन प्रोग्राम्स में दाखिला हासिल कर सकते हैं बी ए शहादतिया हायर सकेंडरी सानविया खासा सेकेंडरी सानविया आमा छ माह दौरान के सर्टिफिकेट कोर्सेज में भी दाखिला लिया जा सकता है असानुलरबी अरबी, अरबी बोलचाल लाइब्रेरियनशिप घर में तैयारशुदा मसनूआत की फरोख्त और फ्रेंच ऑनलाइन ये कोर्स मखसूस शहरों में पेश किया जा रहा है माह दौरानी के टेक्निकल औजयी सर्टिफिकेट कोर्सेज इलेक्ट्रिशियन तेलदार फसलों की काश्त के बेहतर तरीके घरेलू बरकी आलात की मरम्मत और देखभाल फॉर्म मशीनरी फलों की पैदावार के जदीद तरीक़े रेडियो सर्विसिंग नफ़ा बख्श ज़राई महारतें आटोमकैनिक्स मुरगबानी मेट्रिक लेवल, जदीद ज़रात बरकी आलात की देखभाल डेरी हजबेंड्री पौधों की देखभाल और घर और ज़राई अमूर का इंतज़ाम नॉन क्रेडिट ओपन टेक में इलेक्ट्रिशियन, स्टील फिक्सर प्लम्बर, सिविल सर्वेयर सिविल ड्राफ्टमैन क्वेंटिटी सर्वेयर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वेल्डिंग में भी दाखिले मखसूस मुतालियाती मराक में हो रहे हैं शॉर्ट टर्म ताली प्रोग्राम्स में होटल सर्विस मैनेजमेंट साइंस कम्यूनिटी एजुकेशन सोशल साइंस और जरियी कोर्सेस में सारा साल दाखिले जारी रहते हैं दाखिला हासिल करने के लिए तलबा इकतीस अगस्त तक अपना दाखिला फॉर्म बमा उसनाद यूनिवर्सिटी के मुकर करदा बैंकों की ब्रांचेस में जमा करवा दें यकम सितंबर से 10 सितंबर तक मैट्रिक के लिए सौ रुपये इंटरमीडिएट और बैचलर्स के लिए दो सौ रुपये और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पाँच सौ रुपये लेट फीस के साथ दाखला लिया जा सकता है 11 सितंबर से 20 सितंबर तक तमाम प्रोग्राम्स में डबल लेट फीस के साथ दाखला हासिल किया जा सकता है आइए देखते हैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अहमद सांगी नए दाखला हासिल करने वाले तलबा को क्या पैगाम दे रहे हैं बिसमीम अज़ीज़ तोल अकम आज मैं आपको अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखला के लिए दावत देता हूँ अमामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसमें इस, इस वक्त साढ़े छः लाख के करीब स्टूडेंट हर सेमेस्टर में दाखला लेते हैं यूनिवर्सिटी तलबा को किताबें भी मुहैया करती है और तालीम को हर मुमकिन हद तक उनके घर के करीब पहुंचाने का इंतज़ाम भी करती है ख़ास तौर पर ख़वा के लिए ख़वान ट्यूटर्स लगाए जाते हैं उनके अपने इलाके में ताकि वो तालीम से इस्ता हासिल कर सकें इस वक्त हमारे सिस्टम में पचपन फ़ीसद से ज़्यादा ख़वा दाखिला लेती हैं और अपनी तालीम मुकम्मल करती हैं उसके साथ साथ हम मुल्क में बुनियादी तालीम के लिए भी कोशिश कर रहे हैं हमारे पास मैट्रिक में एफ ए में बी ए में तलबा की कसिर तादाद है जो कि मुल्क के हर हिस्से से उसमें शिरकत करते हैं नाजरीन अगर आप किसी भी सतह में दाखिला हासिल करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी के मेन कैम्पस इस्लामाबाद या मुल्क भर में फैले हुए रीजनल कैंपस से इसके मतलब मालूम और प्रॉस्पेक्टस हासिल कर सकते हैं तो आइए पूछते हैं स्टूडेंट एडवाइज़र जनाब ज़्यााहसनै नकवी से कि दाखिला हासिल करने के लिए प्रॉस्पेक्टस लेना और पढ़ना क्यों ज़रूरी है जी जीमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए उम्मीदवार जब प्रॉस्पेक्टस खरीदते हैं तो उसमें उनको लिए दाखला फॉर्म भी मौजूद होता है और प्रोस्पेक्टस में तमाम मालूम दी गई होती हैं जो उनको दाखला लेने के लिए दरकार होती हैं अब दाखला लेते वक्त स्टूडेंट्स प्रॉस्पेक्टस तो ले लेते हैं लेकिन उसको डिटेल से पढ़ते नहीं हैं जिसकी वजह से वो जगह जगह पर जाकर फिर मालूम हासिल करने के लिए पूछते हैं कि जी फ़ीस क्या होगी दाखिला का तरीक़ाकार क्या होगा जबकि सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं ये जिस दाखिला प्रोस्पेक्टस ये आपके सामने है जब ये ख़रीदते हैं स्टूडेंट्स तो पहला काम है उनको यही होना चाहिए कि इसको डिटेल से पढ़ लें इसके अंदर सबसे पहली जो मालूम उनके लिए कारमद हैं वो ये है कि जो जिस प्रोग्राम में वो दाखिला लेने ले जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बाद उस प्रोग्राम की एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है क्या वो जिस फॉर्म प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं क्या उसके अहल हैं उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं क्या परसेंटेज है क्या मेरिट होगा और उसके बाद उस प्रोग्राम की ड्यूरेशन है उसका उसकी स्टडीज़ है कितने सेमिस्टर्स पे मुश्तम है वो प्रोग्राम उसमें क्या क्या कोर्सेज़ हैं किस तरतीब के साथ वो कोर्सेज़ ऑफर किए जाते हैं सारी डिटेल उसमें दी हुई है प्रोस्पेक्टिस के अंदर और उसके बाद आ, दाखला लेने के लिए कितनी फ़ीस उनको जमा करानी है क्या उन्होंने फ़ीस प्रोस्पेक्टस या फॉर्म के साथ ही जमा करानी है या पहले मेरिट बनेगा और उसके बाद वो फ़ीस जमा होगी अगर मेरिट बेस्ड प्रोग्राम है तो वो फॉर्म उन्होंने किस शोबा को भेजना है वो सारी डिटेल इस प्रोस्पेक्टस में मौजूद है और इसके अलावा दाखला लेने के बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या प्रोसीजर होगा एंड द प्रोग्राम कब ऑफर होते हैं या दोबारा दाखिले कब होते हैं वो भी थोड़ी बहुत मालूम इस प्रॉस्पेक्ट्स में दी हुई होती है तो इस हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब कई बार जब रीजनल ऑफिस में भी स्टूडेंट्स दाखिला लेने के लिए आते हैं प्रॉस्पेक्ट्स ख़रीद लेते हैं प्रॉस्पेक्टिस उनके हाथ में होता है और पूछने आ जाते हैं कि जी इसकी फ़ीस कितनी होगी इसका दाखिला कहाँ जमा कराना है बैंक्स कहाँ कहाँ पर हैं उसकी सारी मालूमत इसमें मौजूद हैं कि फ़ीस अगर जमा करानी है तो कौन कौन से बैंक्स हैं जहाँ फ़ीस जमा हो सकती है वो कहाँ कहाँ हैं उनकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं उनकी सारी डिटेल इसके अंदर मौजूद हैं अब कई स्टूडेंट्स ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे हमारे रीजनल ऑफिसज़ मौजूद नहीं हैं तो वहाँ पे हमारे रीजनल कोऑर्डिनेटर्स मौजूद हैं थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो उनको समझ में नहीं आ रही होती कई बार स्टूडेंट्स पहली बार दाखिले लेने के लिए जब आते हैं तो कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो पढ़ के भी समझ नहीं आती है तो किसी से जा कर पूछना भी पड़ती हैं तो उसके लिए हमारी हर तहसील लेवल के ऊपर रीजनल कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर तो उन रीजनल कोऑर्डिनेटर्स के एड्रेसेस भी इस प्रोस्पेक्ट में मौजूद हैं कि आप किसी एक तहसील में रहते हैं जो रीजनल ऑफिस से बहुत दूर है लेकिन आपकी तहसील लेवल पे एक रीजनल कोऑर्डिनेटर जो रबता ऑफ़िसर uh, है जिसका यूनिवर्सिटी के साथ मुसलसल रबता होता है वो आपको यूनिवर्सिटी के तमाम मालूम मा फ्राहम कर सकता है तो आप उससे लोकली अपने इलाके के नज़दीक घर के नज़दीक जाकर वहाँ से वो मालूम ले सकते हैं नाजरीन इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेमेस्टर खजान 2010 में पहली मरतबा मैथ कम्युनिकेशन में पी पेश कर रही है इस सिलसिले में बात करते हैं डॉक्टर अब्दुलसराज चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ मैथ कम्युनिकेशन से पल